अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात चुनाव के बाद जयपुर आ गए हैं। जयपुर में आते ही प्रदेश की वसुंधरा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को जयपुर स्थित सरकारी निवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में सरकार पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने आरोप लगाया कि भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई वसुंधरा सरकार का जनता से विश्वास उठ गया है। सीएम वसुंधरा राजे का जनता से संपर्क टूट गया है और सरकार भी जनता के प्रति संवेदनहीन हो गई है। मंत्री लूज टॉक कर रहे हैं, सरकार की संवेदनहीनता की वजह से चिकित्सक हड़ताल पर है, युवक भर्तियां नहीं होने से परेशान है। गहलोत ने आरोप लगाया कि सीएम राजे जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम करके जनता को गुमराह कर रही है। राजे के जनसंपर्क, जनसुनवाई और जनसंवाद कार्यक्रम सिर्फ नाटकबाजी है जिसे जनता भी समझने लगी है। चार साल में 2 बार जनसुनवाई हो पाई है। कुछ जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से नहीं मिल रही है। जनसुनवाई नहीं होगी कैसे जनता की समस्याएं दूर होगी? जनता सरकार से पूछ रही है कि हमने आपको इतना भारी बहुमत दिया फिर भी जनता पर ध्यान नहीं दे रही। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि रिफाइनरी, मेट्रो समेत दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को रोक दिया, इससे राज्य विकास के मामले में काफ़ी पीछे चला गया। अब चुनाव होने वाले हैं लेकिन ना तो विकास कार्य हुए ना ही जनता की उम्मीदें। आखिर भाजपा सरकार किस मुँह से चुनाव कैंपेन में जाएगी? हम सरकार के कुशासन की पोल जनता के सामने रखेंगे। गहलोत ने यह भी कहा कि वे राजस्थान से कभी बाहर नहीं गए, हमेशा यहाँ सक्रिय रहे। गहलोत ने कहा कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस मजबूती से उभरी है, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।